मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको एक किताब, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया. द ऑथर इज मिस्टर एलायस डेविडसन. पूरा नाम है किताब का, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया रिविजिटिंग द 26/11 एविडेंस. ये 26/11 जो है ये हम लोग आम जबान में इसको मुंबई ऑपरेशन जो इंडिया ने फॉल्स फ्लैग किया था और ब्लेम किया था पाकिस्तान को. ये एलायस डेविडसन जर्मन ज्यू हैं. आई थिंक इसकी उम्र अब शायद 90 उनकी है. ही रोट ए बुक ऑन 9/11 पर लिखा इन्होंने, और उसके बाद ये फॉल्स फ्लैग पर रिसर्च कर रहे थे तो मालूम करना चाहा इन्होंने और इस तरह का कहाँ हुआ है. तब इन्होंने फिर बताया गया इनको कि मुंबई भी इस तरह की चीज़ हुई है, तो उन्होंने उस पर काफ़ी अरसा लगाया उन्होंने और एक किताब लिखी जो इंडिया में पब्लिश हुई, जो इन्होंने फोरेंसिक एविडेंस के बेसिस पे किताब लिखते हैं. वो ये कहते हैं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर जब आता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो क्या देखता है, तो मोटिव क्या था जिस क्राइम का, वहाँ से इन्वेस्टिगेट करते हैं वो. तो ये किताब 900 पेज की किताब है, उसमें उन्होंने पूरा A to Z उन्होंने पूरा एनालाइज किया है किसका क्या मोटिव है. बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक चैप्टर पूरा पाकिस्तान के मोटिव के ऊपर है उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि न पाकिस्तान की गवर्नमेंट, न पाकिस्तान की कोई एजेंसी, न पाकिस्तानी कोई इसमें इन्वॉल्व है. ये सारा जो है प्लानिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है, पाकिस्तान में कोई इन्वॉल्व नहीं था इसमें, इंडिया का डायरेक्ट है इन्वॉल्वमेंट और बाकी दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी जो उनको सपोर्ट कर रही थी. इस किताब को सपोर्ट एक और किताब करती है, वो है, वो भी एक इंडियन ऑथर हैं, मिस्टर एस एम मुशरफ. ये हु किल करकरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ये करकरे का कहां से आता है जिक्र और इसका क्या सिग्निफिकेंस है करकरे का. ये इन्होंने किताब पहले लिखी थी और इसकी अपनी किताब में द बिट्रेयल ऑफ इंडिया में उन्होंने इस किताब का भी रेफरेंस दिया है. मैं खाली बस चलते बता दूं कि इस वक्त हम उसके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मगर अब वो 9/11 करीब है तो इसी ऑथर ने इन्होंने किताब सेकंड किताब लिखी है 9/11 के ऊपर, अमेरिकाज बिट्रेयल कन्फर्म्ड 9/11 पर्पस कवर अप एंड इम्प्यूनिटी. ये एलायस डेविडसन की किताब है. ये दो या शायद 3-4 दफ़ा शायद यहाँ पाकिस्तान भी आए हैं, यहाँ लेक्चर दिया है इन्होंने. अब इसमें है क्या, आपका जो फॉल्स फ्लैग ये होता है कि आप करते हैं आप और ब्लेम आप किसी करते हैं. ये वो मिसाल है कि सिंपल सामान समझने के लिए कि आपसे किसी से झगड़ा है, आपने उस बंदे की पिटाई कर दी और भागे हुए पुलिस स्टेशन गए और वहाँ FIR लिखा दिया जा करके कि देखिए वो फलां फलां ने मुझे मारा, जबकि कुछ अपने को एक्टिंग करके कि जख्मी भी हो गए हैं. और जो बंदा जो जख्मी है उसको तो वक्त भी लगा पहुँचने के लिए पुलिस स्टेशन. तो इंडिया जो है ये काम कर रहा था. हमने जो किताब लिखी है फॉल्स फ्लैग इंडिया के ऊपर, जो यहाँ शुरू किया था गंगा से लेकर के वो हमने शुरू किया था. ये किताब है गंगा टू पुलवामा, अब इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, ये पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने किया है अब तक. तो उसमें से एक चैप्टर है मुंबई ऑपरेशन का. मुंबई ऑपरेशन इस तरह होता है और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि ये हमें अब तक इसका भुगतना पड़ रहा है. जो FATF है उसी का है. हाफिज सईद का जो केस है जो आपने सुन, अब जब न्यूज़ में आता रहता है कि इंडिया, अब अमेरिका भी कहता है कि हाफिज सईद पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया आपने, हाफिज सईद को जेल में क्यों नहीं डाला, आपके जो जजेज हैं उनको क्यों नहीं बंद नहीं कर रहे हैं उनको. तो ये सारा जो ड्रामा जो है अब तक चल रहा है और FATF का आखिरी जो है वकील अभी तक निकलने का बाकी है वो है हाफिज सईद से कनेक्टेड. एग्जैक्टली पता नहीं मुझे, मगर ये पता चलता है कि वो है. अब याद होगा आप लोगों को कि ये जब 2018 में नवाज शरीफ साहब ने एक बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था डॉन के जर्नलिस्ट के साथ, जहां उन्होंने ये पूछा था, सवाल किया था कि अब तक उन लोगों को जेल क्यों नहीं डाला गया जो लोग मुंबई ऑपरेशन पर शरीक हुए थे, पाकिस्तान को बदनाम किया था. और तो वो अब तक जिंदा है, यानी ख़त्म नहीं हुआ है. तो 26/11 का उसका मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या है. 10 आदमी आखिर में जो पता चलता है कि 10 आदमी
वहाँ पहुँचे मुंबई और चार दिन वहाँ रहे। पहले चंद घंटे में दो आदमी, एक मर गए उनके हिसाब से और एक पकड़े गए जिसको अजमल कसाब के नाम से, जो उन्होंने हेमंत करकरे को मार दिया। हेमंत करकरे कौन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए आप लोगों को। हेमंत करकरे वो एंटी टेररिज्म फोर्स का चीफ था जिसने हिंदुत्व टेररिज्म का पहली दफ़ा इन्वेस्टिगेट करके उनका नाम लाया था और केस किया था केस में एक दिन पहले उसे मारने के। तो उसको मारने के लिए पाकिस्तानी क्यों मारेगा पाकिस्तानी उसको या पाकिस्तानी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको, वो तो हिंदू टेरर को निकाला था कि मुसलमान को ब्लेम कर रहे थे। वो करते क्या थे 2002 से कि मुसलमान के इलाके में हमला करते थे, मुसलमान की प्रॉपर्टी को जलाते थे, मुसलमान को जो है मारते थे, कुछ को मार देते थे, कुछ जलाते थे, प्रॉपर्टी जलाते थे और पकड़ लेते थे आखिर में पुलिस आके मुसलमान बच्चों को, यंग को, यानी 16, 17, 18, 21, 20 को जो अच्छे पोजीशन पर थे या पढ़ने में अच्छे थे उन लोगों को, और उनको बंद कर देते थे ये कह के कि ये इंडियन जो सीमी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों का और ISI उनको सपोर्ट करती है, और वो लोगों को बंद करके 10 साल, 12 साल, 15 साल जेल में रखते थे। जब ये ऑफिसर आया इस पोस्ट उसकी 2008 में पोस्टिंग हुई, 2008 में, ये पहले राव में थे, ये सरप्राइजिंगली ही वॉज ए ब्राह्मिन हिंदू, ऑब्वियसली हिंदू होगा ब्राह्मिन होगा तब, और जो है ये मगर ऐसा शानदार कैरेक्टर बंदा निकला कि इसने हिंदू टेररिज्म का निकाला कि मुसलमान नहीं है ये हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के अखबार में फ्रंट लाइन में आया सैफरॉन टेरर। अब उसके पीछे RSS पड़ गई और जिस दिन केस में लेके गए उस दिन ही मतलब जो है वो केस में, और रात के वक्त उनको बुला लिया वहाँ और उनको वहाँ मार दिया, मार उसको जाकर किया उसको पूरे उसको कवर किया है। एक और शख्स ने अपनी किताब में ये है हु किल करकरे, ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर SM मुशरफ ने किताब लिखी है। ये किताब इंडिया में हर जबान में इंडिया की जबान में छप चुकी है वो, मगर उसके बावजूद जो है लोग पढ़ते हैं या समझते हैं। ये पूछ रहा है ये किताब में कि करकरे को क्यों मारा, और करकरे पर जो मारा गया तो उस पर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। मैं भी जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूं तो मैं जब भी मैं पूछता हूँ फेसबुक पर या ट्विटर पर, मैं मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस वक्त, इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझने की है कि इंडिया की हर गवर्नमेंट वेदर कांग्रेस है या आजकल BJP RSS की गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये फॉल्स फ्लैग दोनों करते रहे हैं। ये 2008 में थे, 2008 की वाकया है, 2008 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो मैं मनमोहन सिंह से पूछता हूँ कि आपने क्यों प्लानिंग किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो चलो आपने किया प्लानिंग आपकी एडवांटेज था, मगर करकरे को मारने में पाकिस्तान को क्या फायदा था, आपने करकरे के का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया आपने कि उसको क्यों किसने मारा। अब जो करकरे ने जिस औरत को बंद किया था जेल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो 10 साल जेल रहने के बाद वो निकल करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई भोपाल की, और जितने केसेस सब बंद हो गए, जितने केसेस थे उसने समझौता एक्सप्रेस में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था उस आदमी को पकड़ा था, उसका केस भी खत्म हो गया। तो हेमंत करकरे को के अगर वो केस चलाते तो न मोदी पावर में आता, न यूपी में आदित्य ठाकुर जो हैं जो पावर में, ये लोग सब का नाम उसने लिया था कि ये इन्वॉल्व थे। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसने था जिक्र, जो अब चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में हो रहा है कि सिर्फ हिंदू के, इंडिया सिर्फ हिंदू के लिए। कमिंग बैक टू दिस बुक, एलायस डेविडसन है, इसने कहा कि दो ऑपरेशन था, एक कहता है लोकल जिसमें करकरे को मार दिया, वो तो 3 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर वो खत्म हो गया करकरे। अब जो है 4 दिन तक जो है ये ऑपरेशन चलता रहा, ये ताज होटल में हुआ, लेपर्ड वहाँ बहुत ही इंटरनेशनल रेस्टोरेंट जो 100 साल उसके ऊपर उसकी हिस्ट्री है, दुनिया में जानती है उसको, टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडिया का था वो। फिर ट्राइडेंट होटल है, अनदर 5-स्टार होटल, और एक उन्होंने डिस्कवर किया एक इजरायली एक जगह है, एक प्राइवेट थी मगर उसको उसमें भी कि वहाँ टेररिस्ट वहाँ भी चले गए यहूदियों को मारने के लिए। तो बेसिकली वो 4 दिन तक
आठ आदमी सिर्फ, 10 आदमी टोटल थे, दो तो वहां पहले दिन का इनका अकाउंट फॉर कर दिया इंडिया ने, अब 8 आदमी 4 दिन 4 जगह ऑपरेशन करते रहे। और उस बीच में उस ताज होटल में बहुत सारे वीआईपीज आए हुए थे, फॉरेनर्स भी थे, इंडियन वीआईपीज भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉरेन मेंबर पार्लियामेंट थे, उन सबको निकाला जाता रास्ते आस्ते करके। कुछ बड़े फेमस बिजनेसमैन थे उसमें, वो थे, उन्होंने आईजी पुलिस को फोन किया, वो उसे भेज के उनको निकाला, ये सब होता रहा। कोई बड़ा आदमी नहीं मारा गया, कोई कोई न फॉरेनर न लोकल, जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो। इसमें किताब में पढ़ने की बात है, किताब की ये मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने नहीं पढ़ा है तो किताब पढ़िए, आपकी आंख खुलेगी कि किस तरह उन्होंने इंडिया ने प्लान किया। और एक इलायस डेविडसन जैसा बाहर पाकिस्तान नॉन पाकिस्तानी जो आकर के उन्होंने खोला पाकिस्तान को बताया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के इसमें हाथ नहीं है। मैं तो बस सीरियसली सोच रहा हूं कि पाकिस्तान इसको हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए, पाकिस्तान को इसको, जो हम नहीं कर सके, जो ये करके कर दिया उसने। और ये जो है पाकिस्तान में आके उसने मुझे याद है कि 3 लेक्चर उसने दिया कि पाकिस्तान में अपने पूरा बताया कि किस तरह के इसका जो तरीका का वार करने का ये है। मोटिव क्या था? मोटिव जो है पाकिस्तान का कोई मोटिव नहीं है, उसने पूरा प्रूफ किया कि मोटिव कोई नहीं है पाकिस्तान का। उस जमाने की गवर्नमेंट थी जो मिस्टेक्स किए, जो जरदारी साहब उसे प्रेजिडेंट थे, उन्होंने फॉरन आईएसआई चीफ को कहा भेज दो, वो सब है, उसका जिक्र उसके अंदर है। जो उस जमाने में इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक साहब, वो खड़े होकर के तस्वीर दिखा रहे हैं एक किश्ती को कि देखो ऐसी किश्ती थी जो कराची से बॉम्बे चली गई थी। तो स्टोरी उन्होंने ये बनाया था कि किश्ती से चले गए बॉम्बे, पहुंच गए, एक जहाज अगवा किया समुंदर में बॉम्बे के पास, उस जहाज से फिर मतलब कि दूसरी किश्ती पर बैठ करके ये शाम को पहुंचे, मुंबई पहुंच गए ये। और इस तरह से जा करके दो आदमी चला गया वहां जो करकरे को मारने का जो था वहां पर जो ड्रामा बनाना था, और बाकी 8 लोग जो है यहां रहे। तो सुबह ही लोग जो है वारदात करते थे, शाम को रुक जाते थे, काम नहीं होता था। 4 दिन के बाद वो सब मार दिए गए, तो फिर वो कहा कि खत्म हो गया। शुरू में 100 आदमी आ गए, 150 आदमी थे, वो ड्रामा चलता रहा, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे बॉम्बे में, और ड्रामा क्रिएट किया गया। मगर द ट्रूथ इज कि प्लानिंग बहुत पहले हुई थी। उसी होटल जो ताज होटल, इनको इनका एक वारदात होता है जो फॉल्स फ्लैग में कोई बड़ी आइकॉनिक साइट को लेते हैं वो, तो इसमें आइकॉनिक साइट था ताज होटल। ताज होटल को जलते हुए जो तस्वीर है सबके दिमाग में है, जैसे 9/11 में जो आपको तस्वीर होगी कि जहाज जो टकरा गया जाकर के टावर के साथ, वो उसी तरह के इन्होंने इमेज क्रिएट किया था। इंडिया जो कॉपी करने में बहुत माहिर है, तो माहिर इसने बड़ा कॉपी किया इसने ताज होटल को। ताज होटल के जो ओनर है रतन टाटा, उससे किसिंजर की मुलाकात हुई 5-6 दिन पहले, वो भी जिक्र है इसके अंदर। CNN पहले से मौजूद था ताज होटल में पूरे अपने क्रू के साथ, कि तो उसको कैसे पता था कि होने वाला है ये। तो ये सब चीज़ें जो है, तो फिर उसको मोटिव क्रिएट किया है। वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिव जो था इंडिया का, वो अपनी सिक्योरिटी को बीफअप करना था। उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, वो कामयाब हुआ वो। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज इंडिया सफ़र कर रहा है, वो उनकी जो कानून है UAPA, हर मेंबर ने साइन किया। ये नवंबर में हुआ ये केस, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में इवन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो भी जाके साइन कर दी UAPA में। और UAPA क्या कानून है? आपको बंद कर देगा, कुछ ने का हक नहीं है, कोई इसको ना उनको वो देगा, बेल मिलेगा ना कुछ होगा। अभी रिसेंट केस है एक जेजुइट फादर 85 साल का, उसको बंद कर दिया और वो जेल में मर गया, उनको बेल नहीं मिला, वो बेल ही नहीं देते हैं। उसमें एक मूवमेंट चल रहा है US में जस्टिस फॉर ऑल करके, उसमें उन्होंने बनाई है फिल्में कि किस तरह से मुसलमान बच्चों को पकड़ते हैं और डाल देते हैं जेल में, और 15-20 साल के बाद वो निकलते हैं कि ये बगैर इनको कोई चार्जेस नहीं हुआ, उनको इनको छोड़ दिया गया, उनको चार्जेस नहीं था चार्जेस। तो इतने सालों के बाद ये काम पहले से कर रहे थे, 2002 के बाद कर रहे थे, 2008 में ये केस हुआ जो उन्होंने करकरे साहब ने निकाला कि नहीं मुसलमान नहीं कर रहे थे, हिंदू कर रहे थे। तो ये फिर जो है अब फिर वापस शुरू हो गया है और अब सक्सेस हो गया है। और अब हिंदुस्तान जो है वो UAPA जो है वो कानून जो है इतना सख्त कानून है कि उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। किसी को भी आप बंद कर देंगे तो कोई उसका राइट नहीं है उसका बेल के लिए, साल 1.5 साल 2 साल के बाद। फिर इतना मुकदमा करते हैं कि एक से बेल मिल भी जाएगा 3-4 साल के बाद दूसरा मुकदमा जो है। और तो इस तरह बंदा जो है जेल में रहता है,
काफ़ी सालों के साथ, उसके बाद छोड़ते हैं तो टोटल ब्रोकन। तो इस तरह से वहाँ वो आजकल अब ज़्यादातर मुसलमानों में इस्तेमाल हो रहा है, अब एक दो केस दलित के साथ भी हुआ है, फिर एक क्रिश्चियन के साथ भी हुआ है, ये चल रहा है। तो पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि ये फॉल्स फ्लैग जो है इसको लेकर करके हमें एजुकेशन होना चाहिए यहाँ पाकिस्तानियों को कि आप जब गवर्नमेंट साथ होती है, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट, व्हेन दे वर्क टुगेदर रिजल्ट इज डिफरेंट। बेहतरीन एग्जांपल इसका है पुलवामा का। पुलवामा में जब इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया तो उस वक्त इमरान खान साहब आ चुके थे, इन्होंने पहला जो कहा उनको इंडिया को, आप हमें प्रूफ दीजिए हम आप एक्शन लेंगे, उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। उसके बाद 26 फरवरी को, यानी दो हफ्ते के बाद या उससे कम, उन्होंने इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने क्रॉस किया इंटरनेशनल फ्रंटियर को और बॉम्ब गिराया पहाड़ के ऊपर, कह दिया कि हमने मार दिया है टेररिस्ट को। वो मारने के बाद वो चले आए, पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाब देंगे, और 27 तारीख को पाकिस्तान ने अटैक किया और उसके बाद जो है वो उनके पायलट को गिराया, अभिनंदन को, एक जहाज इंडिया में गिरा, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को मार दिया, पाकिस्तान ने उनके सारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को मारा, और ये कह करके हम उसको नहीं मार रहे हैं, उसके आसपास बॉम्ब गिरा रहे हैं। इंडिया ने एक्सेप्ट किया। इंडिया के एक बड़े फेमस मतलब जो है वो मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, किताब लिखी हुई उन्होंने, एक किताब पहले लिखी हुई है, एक किताब उनकी आने वाली है, वो उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है इसको। एक किसी जर्नलिस्ट को पूछ रहा था, सवाल कर रहा था, उसने कहा कि इंडिया कमिटेड एग्रेशन, दे वेंट एंड बॉर्न पाकिस्तान एंड पाकिस्तान रिटेलिएटेड, इंडिया एग्रीड, इट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, बट पाकिस्तान इंडिया डिड नॉट हैव द स्टमक टू रिटेलिएट बैक बिकॉज इन पाकिस्तान वॉज वेल प्रिपेयर्ड। और ये चीज बड़ी खुशी की बात है, उसने ये कहा है एक जगह और इंटरव्यू में कि हम जो हमेशा जो दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान नीड्स न्यूक्लियर डेटोरेंट, तो वो प्रूव कर दिया पाकिस्तान डज नॉट नीड न्यूक्लियर डेटोरेंट, पाकिस्तान हैज कन्वेंशनल वेपन्स टू टेक ऑन इंडिया। और अल्लाह ताला का एहसान है कि अभी तक जो इन्होंने कोशिश की कश्मीर में वॉर करने की, नहीं कर सके इसी वजह से कि पाकिस्तान माशाल्लाह प्रिपेयर है। तो मैं एंड करता हूँ ये कहने के लिए कि आप भी मूवमेंट शुरू कीजिए, मैं भी करना हूँ, कि एलायस डेविडसन को आप हाईएस्ट अवार्ड दें पाकिस्तान का, इसने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।